दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अधीन चल रहे गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पंजाबी बाग का वाइस चेयरमैन जगमोहन सिंह आनंद को बनाया गया। इस मौके पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह पप्पू, सदस्य गुरुद्वारा कमेटी सरदार तनवंत सिंह, सरदार रवेल सिंह, सतवीर सिंह गगन मौजूद थे। आइए सुनते हैं। आज जीएनएमआई पंजाबी बाग विच सरदार जगमोहन सिंह जी आनंद जो फतेहनगर जो गुरुद्वारा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहब के नाम से जो गुरुद्वारा है उसकी पिछले 30 साल तो ये सेवा कर रहे हैं। अलग अलग अहुदों से होंदे हुए ये उत्थे बेखूबी सेवा निभा रहे हैं और बड़े ही ईमानदार और निष्ठा वाले कम करने वाले ये वीर ने। पिछले 30 साल तो मैं इन्हों उत्थे सेवा करदे देखदा क्योंकि रोज गुरुद्वारा साहब की हाजिर बन जाना और उस गुरुद्वारा साहब के बारे लोगों जरा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंगलवार को उत्थे गुरुद्वारा साहब जाया करो। एक कमेटी रोज उत्थे अनाउंसमेंट करती है कि सिंघां दे अंदर कोई वार नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई मंगल नहीं, सारे वार गुरु साहिबान दे हन। और खास तौर पर मैं इस कमेटी को शाबाशी देना हाँ कि ये स्टेज पर अनाउंस करते हैं कि रोज इतने मत्था टेकन आओ, मंगलवार का इतने कोई गल नहीं है। सो पंथ प्रति कौम प्रति इन्हों की सेवाओं देखते हुए साढ़े प्रधान साहब ने इन्हों इतने वाइस चेयरमैन के तौर पर नवाजा है और मैं आस करना हाँ इस इंस्टीट्यूट की भलाई ली और इनू अगे लै जाने आनंद साहब अपना पूरा तन मन धन इसे सेवा करेंगे और जो मनजीत सिंह जी ने इन्हों पर भरोसा जताया वह खरे उतर। देखो जो जिम्मेवारी मेरे उत्ते साहब मनजीत सिंह जी जी के सिरसा जी ने तरवेल सिंह जी तनवंत सिंह जी अमरजीत सिंह पप्पू जी ने दिती है मैं इन अपने तन मन नाल पूरा तोड़ नवावगा, कोई शिकायत का मौका नहीं आन देवगा। जिस तक मेरी कोशिश हुई इस और उचिया बुलंदियों से लैके जावगा, जब तक हो सके मैं इस पंथ की सेवा करा, पंथ की देश की कौम की जरूर सेवा करा, जिनी हो सकी सेवा करते आए सेवा करते रहेंगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।